अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं कराटा पार के मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ वाटरफॉल है, जो देसी ज़बान में इसको आबशार बोला जाता है। तो मैं बीच में ये एक कराट है जिसको जंदर बोलते हैं, इधर मैं उसके अंदर की भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो भी मैंने बनाई है। ये जो पानी पे पंचक्की चलती है तो उसके बाद आटा पीसा जाता है। ये देखें कितने पहाड़ों के बीच में ये इसने पंच आटा चक्की लगाई हुई है भाई ने। तो उसके अंदर वो गंदम की पसाई कर रहे थे भाई साहब, जमील साहब नाम उन्होंने बताया, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो हम भी इधर बहुत दफ़ा आए हैं मकई लेके, इधर से आके हमने जो है ना वो दानों की पसाई करा के आटा बनवा के लेकर गए हैं। त्राड़खाल से पैदल आते रहे, कितनी दफ़ा आए हैं। तो जहाँ से हम पसाई कराते रहे, ये देखें कितनी पहाड़ी है और कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है। वो नीचे एक आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाला, ये अभी टूट गया है। इधर हम लेके आते थे आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो अभी मैं आपको आबशार की भी वीडियो बना के दिखाऊंगा, नीचे जा रहा हूँ। ऊपर से जाते हुए मैंने सोचा कि मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाऊँ, तो आप मेरे साथ रहें, मैं आपको वीडियो बता के। बहुत कठिन रास्ता है, ये देखें जी हम नीचे जा रहे हैं। तो ये एक और है जिसको हमारी जुबान में कराट बोला जाता है। तो इसके ये अंदर वाला सिस्टम ही मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से वो नीचे चरखा लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस चरखे के ऊपर जब पानी लगता है तो ये घूमता है, ऊपर इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ होता है वो घूमता है, उसके नीचे आके मकई पसाई होती है। देखें जी निज़ाम कुदरत, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जो है ना इंसान को दिमाग दिया है। ये पहाड़ी देखें, ये पानी नीचे जा रहा है, ये नीचे वाले कराट पर जंदर बोलते हैं जिसको, देसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में जंदर बोलते हैं, हमारी देसी ज़बान में कराट बोलते हैं। तो ये मैं नीचे जा रहा हूँ, आप चेक करें वाटरफॉल की तरफ जहाँ से आबशार आ रही है, और आपको आबशार की गूंज भी सुनाई दे रही होगी। तो पहाड़ों दोस्तों, ये देखो पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे ये नाला जा रहा है। ज़रूर मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको, ये वाला व्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा, वॉच भी करना। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ये देखें जी मैं आस्ता आस्ता नीचे जा रहा हूँ। ये जी टक शाक वाले ने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, आबशार वो नज़र आ रही होगी, नीचे से भी जाके मैं बना के आपको दिखाऊंगा। ये इधर से मैं रास्ते से बना के दिखा रहा हूँ। ये आबशार के ऊपर एक टक शॉप है, इन भाई साहब ने पकोड़े, ड्रिंक्स, लेज वगैरह रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, इस जगह हम आया करते थे, पुराना था, अभी तो इन्होंने तोड़ के इसको नया किया, लेकिन ये भी टूटा हुआ बना नहीं है अभी तक। इधर हम दाने लेके आया करते थे, अताउल्ला साहब होते थे कराट वाले का नाम, चौधरी अताउल्ला साहब। ये देखें मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये आबशार है, आबशार आपको नज़र आ रही होगी, आस्ता आस्ता मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको वहाँ से आबशार की जो है ना वो मज़ीद वीडियो दिखाऊँगा, आबशार कैसे नीचे आ रही है। देखें जी देखें, ये लड़का एक पानी में गुस्ल कर रहा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी अब हम मेन पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, ये आबशार है जी। ये देखें जी अल्लाह की शान देखें, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं।
अगर मेरी वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना, तो जहाँ कहीं भी मेरी वीडियो में गलती कोताही हो तो लाजमी मुझे बताना। बस इसी पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखना। आपका अपना दोस्त राशिद। अल्लाह हाफिज़। चाचा ये आजकल किस तरह मान पीने हो? 400 रुपये मान? तुसों को लोना भी आटा भी तो मकई ना ना गया तुसा ना? जमील। अच्छा जमील साहब।